हेलो एवरीवन, जाट ऑन व्हील्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने KTM एडवेंचर 390 की। और इसके मैंने दोनों शूज़ चेंज करवा दिए हैं, यानी कि मैंने अपने टायर चेंज करवा दिए हैं। और मैंने एक इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन, चीप एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन यूज़ किया है कि यार मज़ा आ गया। बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने ये दोनों कॉम्बिनेशन डाले हैं। तो पिछला जो रियर टायर है वो मैंने अपोलो का ट्रैम्पलर XR, और इसका साइज़ है 140/70/17 है, जबकि हमारे ओरिजिनल जो साइज़ है वो है 130/80/17। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जो फिटिंग आई है, जो ग्रिप आई है ट्रैम्पलर XR की, यार अमेजिंग है यार। कल से मैं बाइक चला रहा हूँ, मैंने सोचा था जब तक मैं फुली कॉन्फिडेंस नहीं हो जाऊँगा, सेटिस्फाई नहीं हो जाऊँगा, जब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो मैं कल से बाइक चला रहा हूँ और मुझे इतना मज़ा आ रहा है इस कम्बिनेशन से। तो मैंने जो फ्रंट में जो टायर चेंज करवाया है वो है MRF का, और वो है मेटियोर FM2। और ये दोनों ही कम्बिनेशन बहुत ही शानदार है। और मेरे जो टोटल कॉस्टिंग आई है 6400 में दोनों टायर डल गए हैं। फ्रंट डला है 2900 का और जो रियर डला है 3500 का। और फ्रंट पे जो सेम मुझे साइज़ मिल गया जो KTM का होता है 119/90, और ये MRF में आता है। और आजकल हमारी जितनी भी KTM की नई बाइक्स हैं, KTM की ADV जितनी भी नई बाइक्स हैं 250 और X, उसमें यही टायर लग के आ रहे हैं। इसलिए मुझे इस पे थोड़ा भरोसा था कि जब KTM इतना रिसर्च करने के बाद ये टायर लगा सकते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ट्रैम्पलर XR की तो क्या कहने, अगर ये फ्रंट में भी ये साइज़ मिलता तो मैं पक्का लगवाता, लेकिन फ्रंट का साइज़ नहीं मिल रहा था, उसमें 90/90/19 था, मुझे चाहिए था 100/90/19, जो कि MRF में मुझे मिल गया। और ये कम्बिनेशन इतना शानदार है यार, मज़ा आ रहा है, इतना ग्रिप बढ़िया हो गई है। और मेरे पुराने जो टायर थे वो लगभग 19,000 चल चुके थे, और उसको चेंज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई, अगर हम जैसे पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे आप पत्थर, ग्रेवल्स और बहुत कुछ, मतलब कि ऐसा ऑफ रोडिंग होती है, उसके लिए मुझे नए टायर की ज़रूरत थी। तो जो मैंने रियर टायर डलवाया वो अपोलो शोपी से डलवाया है। ये देखिए, हमने वहाँ से विकासपुरी अपोलो शोपी से लिया था, और बहुत ही शानदार टायर है। और इसकी जो कीमत थी 3500 थी। ये आप देख पा रहे होंगे कि कैसे मैंने इसको फिट कराया था, ये सारी वीडियो मैंने बनाई थी कल ही। और इसके बाद मैं गया था अपना जेल रोड पे, वहाँ पे अपना MRF का जो शॉपी थी वहाँ से मैंने डलवाया था MRF का मेडजलर FM2। ये भी ऑफ रोड इन रोड टायर है, और कम्बिनेशन यार अमेजिंग है दोनों का, मानना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी चीप एंड बेस्ट कम्बिनेशन मिला है, और ग्रिप भी बहुत अच्छी है। हम तो KTM एडवेंचर के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है नए टायर्स की। जो मेडजलर का सेट आता है वो बहुत ही कॉस्टली, लगभग 20-22 हज़ार का सेट पड़ता है, लेकिन हमें 6400 में दोनों बेस्ट हमें सेट मिल गए हैं बाइक के लिए। तो इसीलिए मैं आप सबसे, जितने भी KTM एडवेंचर ओनर्स हैं, उनके साथ शेयर करना चाहता था कि आप ये कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही शानदार है, और मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आप भी ट्राई कर सकते हैं, और इसका कीमत वेरी कर सकती है स्टेट टू स्टेट, मुझे तो 6400 के दोनों टायर पड़े हैं। और अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। और अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायोनारा। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।